एक तरफ है रांची का खूबसूरत सिटी और एक तरफ है ब्लैक डायमंड। हिंदुस्तान को यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता। झारखंड में 45% ब्लैक डायमंड पाया जाता है और ये सारा ब्लैक डायमंड मुन्ना के अंडर कवर में है। यह है संजय, मुन्ना का राइट हैंड, जो मुन्ना का सारा ब्लैक डायमंड वर्क इसी के अंडर से होता है। यह है राघव, मुन्ना का लेफ्ट हैंड, जो सारा हिसाब किताब इसी के देखरेख में होता है। यह है मुन्ना माफिया। मुन्ना माफिया बनने के लिए ऐसा कोई क्राइम नहीं है जो ये नहीं किया होगा। मुन्ना झारखंड के हर कोने में अपना ब्लैक डायमंड का बिजनेस चलाता है। मुन्ना अपने काम को लेकर बहुत सीरियस था। वो कहते हैं ना, हर बिजनेसमैन के कहीं ना कहीं कमजोरी होती है। वही कमजोरी के दौर आते हुए मुन्ना एक दिन गलती कर ही दिया। मुन्ना के आगे कोई भी काम मांगने आता, उसे मार के भगा देता। सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि राघव करोड़ों रुपए के घोटाले में पकड़ा गया। फिर वही हुआ जिसका राघव का डर था।
के लिए मर्डर बिल्कुल आम था। ऐसे ही कितना ही सारा मर्डर करके वो माफिया बन गया। राघव का मर्डर के बाद सारे माफिया डरने लगे थे। मुन्ना अपना बिजनेस बहुत तेजी से आगे लेके जा रहा था, इसलिए वो बोकारो के माफिया संदीप गंजू को अपना पार्टनर बनाया। यहाँ मुन्ना अपना बिजनेस की प्लानिंग कर रहा था और वहाँ इसका अंजाम का तैयारी हो रहा था। फिर वो सवेरा आया जिसका मुन्ना का जुल्म का खात्मा होना था। बिजनेस के लिए इतना मर्डर किया, उस मर्डर में से एक मर्डर संदीप गंजू का भाई का भी था। ये बात सलार पहले से ही जानता था, इसीलिए सलार अपने ही गैंग में संजय और संदीप गंजू को अपने साथ शामिल कर लिया। सारा ब्लैक डायमंड और सारा बिजनेस सलार और उसके गैंग का है।